एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आपका मेरे चैनल मम्मी की टेस्टी रेसिपीज में बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, आज मैं न्यू रेसिपी लेके आई हूँ और जैसे कि आज रिपब्लिक डे है तो सबको मेरी तरफ से हैप्पी रिपब्लिक डे। और चलिए आज देखिए, हम रिपब्लिक डे पे ही मैं आज रेसिपी बनाने जा रही हूँ और आज मैं न्यू रेसिपी जो लेके आई, आज हम बनाने जा रहे हैं ब्रेड सैंडविच और तिरंगा ब्रेड सैंडविच बनाएंगे। बहुत ही इजी है फ्रेंड्स, झटपट बन जाएगी ये और आपको ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। तो चलिए शुरू करते हैं, देरी नहीं करते बनाना। देखिए, इसके लिए मैंने कुछ इंग्रेडिएंट्स लिए हैं। यहाँ मैंने लिया है 3 ब्रेड, जिनके मैंने कॉर्नर जो है वो काट के मैंने रख लिया है। और मैंने यहाँ लिया है एक कटोरी में सॉस थोड़ा सा, यहाँ लिया है मैंने थोड़ी सी दही एक कटोरी में, यहाँ मैंने लिया है धनिया की चटनी, जो धनिया की चटनी हमने पीस के रख ली है कटोरी में, यहाँ मैंने लिया है थोड़े से प्याज, जिनको मैंने अच्छे से एक प्याज आप मान लीजिए एक प्याज लिया है, जिसको काट के अच्छे से चॉप करके मैंने यहाँ पे रख लिया। और यहाँ लिया है मैंने बंद गोभी, पत्ता गोभी को भी मैंने थोड़ा सा चॉप करके काट के अच्छे से यहाँ पे रख लिया है। और इसको मैंने गर्म पानी में थोड़ा नमक डाल के उबाल के मैंने यहाँ पे रखा है। तो चलिए फ्रेंड्स बनाना शुरू कर देते हैं। मैंने यहाँ पे जैसे कि बताया 3 ब्रेड लिया था फ्रेंड्स, लेकिन मैंने यहाँ पे 3 ब्रेड और लिया है, तो आप टोटल ले लीजिए 6 ब्रेड के आसपास हमारे ब्रेड होंगे। और क्योंकि हमें लेयर इसको कवर करना है, तो देखिए यहाँ पे मैंने एक लेयर पे मैंने चटनी लगाना स्टार्ट किया है ब्रेड का। मैंने यहाँ 2 लेयर ले लिया और इस पे मैं इस तरीके से चटनी लगा रही हूँ, हरी चटनी, क्योंकि हमें तिरंगा शेप में बनाना है। तो हमें हरा कलर, सफ़ेद कलर और हमें रेड कलर लेना है यहाँ पे। तो इस तरीके से हम यहाँ पे हरी चटनी लगा लेंगे। एक लेयर तो हमारा देखिए हरा जो है हमारा, वो हरी चटनी से हम उसको कवर कर रहे हैं। देखिए, अब चटनी लगाने के बाद हमने यहाँ पे जो प्याज चॉप किया था, प्याज से हम यहाँ पे इसको स्टफिंग करेंगे, ब्रेड में हम भरेंगे सबको। तो देखिए, मैं इस तरीके से जो प्याज है, प्याज हम यहाँ पे फिल कर देते हैं। देखिए, अब हम यहाँ पे जो हमने चॉप करके रखे थे पत्ता गोभी के, जो पत्ते हमने उबाल के रखे थे फ्रेंड्स, तो उसको भी हम यहाँ पे, और देखिए मैंने इस पत्ता गोभी, कहते हैं कच्चा नहीं खाना चाहिए, इसीलिए हमने यहाँ पे इसको उबाल के, नमक में उबाल के मैंने इसको रख लिया है इसको। तो आप देखिए, अब मैं पत्ता गोभी भी यहाँ पे इसको फिल कर रही हूँ ब्रेड में, थोड़ा थोड़ा करके फिल कीजिए, जिससे ज्यादा स्टफिंग हमारी बाहर ना आए, ओवरफ्लो ना हो। तो देखिए, मैं थोड़ा थोड़ा ही यहाँ पे फिल कर रही हूँ। और अब हम यहाँ पे दही हम फिल कर लेंगे, दही भर लेंगे, हमें दही से लेयर को कवर कर लेना है। और फ्रेंड्स, सैंडविच किसको नहीं पसंद होता, और बहुत ही जल्दी बन जाता है और सैंडविच अच्छा भी लगता है हमें खाने में। हम बाजार के जो सैंडविच हम लेते हैं, इससे अच्छा हम घर में क्यों ना हम सैंडविच बनाएं, और बहुत ही जल्दी और बहुत ही टेस्टी हमें लगेगा और बहुत ही हाइजीनिक रहता है घर में हम जो भी रेसिपी बनाते हैं। तो आप देखिए, इस तरीके से हमने दही से भी कवर कर दिया है और ऊपर मैंने थोड़ा सा जो पत्ता गोभी, थोड़ा सा ऊपर और मैंने यहाँ पे फिल कर दिया है पत्ता गोभी और प्याज जो है। तो अब देखिए आगे, अब मैं यहाँ पे जो सॉस है, मैं सॉस से कवर कर लूंगी। इस तरीके से हम दोनों में हम सॉस से कवर कर लेंगे, इस तरीके से फिल कर लिया है। तो चलिए, अब मैं यहाँ पे जो ब्रेड है, हम ब्रेड से कवर कर देते हैं ऊपर। हमने दो ऊपर से, हमने एक और ब्रेड से लेयर से हमने इसको कवर कर लिया है और अब हम इसको कट कर लेंगे। तो आपको कट करने के लिए देखिए, थोड़ा सा मैंने यहाँ पे थोड़ा सा इस तरीके से हमें अच्छे से ब्रेड को सेट करना है और एक चाकू की हेल्प से आपको इस तरीके से कट कर लेना है। तो आप देख सकते हैं कितना बढ़िया कट हो गया हमारा। तो फाइनली देखिए फ्रेंड्स, हमारा तिरंगा सैंडविच हमारा बन चुका है। तो चलिए, मैं आपको इसको ब्रेड में हम सेट करके मैं आपको दिखाती हूँ। आप देख सकते हैं इसके जो लेयर है, तीनों हमारे तिरंगा लेयर है और बहुत ही टेस्टी और फटाफट बनने वाली रेसिपी है। तो चलिए, हम इसको सेट करके आपको मैं प्लेट में, हमारा तिरंगा सैंडविच ब्रेड सैंडविच बनके तैयार हो गया है। और आप चाहें तो इसको तल भी सकते हैं, इसको थोड़ा सा हल्का सा इसको आप फ्राई कर लें दोनों लेयर को, तो वो भी बहुत टेस्टी लगेगा। बट ऐसे भी खाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, झटपट बन गई है 5 मिनट में। आप देखिए, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा और इसको झटपट बनाइए, खाइए और इंजॉय कीजिए।
बहुत ही टेस्टी ब्रेड सैंडविच है फ्रेंड्स। तो आप भी देरी मत कीजिए, इस रेसिपी को बनाइए घर पे। कैसी बनी है और आप देख सकते हैं हमारे तीनों लेयर, हमारे बहुत ही बढ़िया कलर, हमारे तिरंगा कलर दिखाई दे रहे हैं। तो कैसी बनी आपकी, आप भी जरूर मेरे चैनल के कमेंट सेक्शन पे बताइएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कीजिएगा फैमिली और फ्रेंड में। चैनल भी अच्छा लगा हो तो फटाफट लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, पास में जो बेल बटन है उसको प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आपको नोटिफिकेशन आ जाए कि आगे हमारी कौन सी रेसिपी आ रही है फ्रेंड। तो चलिए, मैं इसी तरीके से टेस्टी टेस्टी रेसिपीज लेके आती रहूंगी। तो अभी मैं अपना वीडियो एंड करती हूँ, आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ, नेक्स्ट रेसिपी के साथ मिलती हूँ फ्रेंड्स। जो मेरे चैनल पे न्यू आए हैं वो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा, तभी आप आगे के मेरे टेस्टी रेसिपीज देख पाएंगे फ्रेंड्स। तो चलिए नेक्स्ट रेसिपी में मिलते हैं, तब तक टेक केयर, बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।